उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद और NCR के आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण की दर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। खास तौर पर बच्चों के बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी आदेश के तहत NCR से जुड़े सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद गाजियाबाद और नोएडा में भी कोरोना केस में वृद्धि होने लगी है। बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की परेशानी और ज्यादा ही बढ़ा दी है। गाजियाबाद और नोएडा में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने कोरोना केस में दिख रही वृद्धि के बाद दिल्ली और NCR से जुड़े जिलों में मास्क को सभी सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य किया गया है। राजधानी लखनऊ में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में RT-PCR टेस्ट में कोरोना संक्रमितों की दर में इजाफा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने भी कोविड प्रभावित इलाकों में आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखने का फैसला लिया है। कोरोना के मामले हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और NCR के अन्य इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। इन इलाकों से लखनऊ आने वाले लोगों की टेस्टिंग कराई जाएगी। प्रशासन की ओर से बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और विदेशों से आने वाले यात्रियों की विशेष रूप से टेस्टिंग कराई जाएगी। शिक्षण संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और फैकल्टीज में फोकस सैंपलिंग कराने का निर्देश दिया गया है। नोएडा जिला प्रशासन ने लक्षण वाले बच्चों को स्कूल नहीं भेजने को कहा है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अब तक इन्फेक्टेड हुए बच्चों के फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं मिला है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है कि अगर किसी स्टूडेंट के कोविड के लक्षण मिलते हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। सभी स्कूल कॉलेजों में हेल्प डेस्क अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे में कोविड लक्षण लगे तो उन्हें स्कूल आने पर रोकें। वहीं DM सुहास हलवाई ने कहा है कि स्कूलों में कोरोना के मामले आते ही जानकारी दें। UP में कोरोना के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में 115 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 29 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि इससे पहले 135 नए मामले सामने आए थे। इस प्रकार कोरोना के नए मामलों में कुछ कमी आई है। वहीं प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला, .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।